दरबार चूंकि मूल रूप में आज धनुष है और धनुष यज्ञ सुनकर के आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो सबसे पहले राजा जनक जी के द्वारा विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया जा रहा है। और जनक जी के बहुत ही अच्छे अभिनेता, यद्यपि आपके गांव में आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे स्वर्गीय श्री माता दीन जी त्रिपाठी ग्राम पिपरोंदा। पिपरोंदा वाले जनक जी आपके यहाँ आया करते थे। अब वर्तमान में उन्हीं के केवल एक शिष्य हैं, वो आपके समक्ष में प्रस्तुत हो रहे हैं, श्री राजू तिवारी जी। धन्यवाद। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। आइए राजा जनक जी का दरबार। रसेधारी नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार। और भाई रिंकू राजपूत खेड़ा सिला जी से आपकी ओर से 21 मुद्राएं सभी बार बार यही कहा करते हैं और कहा क्या करते हैं, सुनो राजपूतियों सुनो। मातृभूमि को मेरा अपनी मातृभूमि के लिए अपनी वसुंधरा के लिए हम बार बार कहा करते हैं और आज भी कहना है हमारा। और कहना क्या है कि ये मातृभूमि को मेरा
ये सत शत नमल और ये मंडल है हमारा इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। तभी तो आज कह देना पड़ा, तभी आज कह देना पड़ा। और कहना क्या अपना ही राजनीति क्यों श्रवण करो कि ये मातृभूमि को मेरा सात सात नंबर और ये बंदर है हमारा शत शत नमन बंदर हमारा और बलिदान हो बलिदान कैसा बलिदान बलिदान तो जाने कितनों ने किया होगा लेकिन बलिदान हो तो कैसा होना चाहिए कि जो सीमा पर प्राण गवाए वो सच्चा सेनानी और मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी तो एक बार सब मिलकर बोलो हमें हिंदुत्व इसे कहते हैं बलिदान ये है बलिदान तो बलिदान हो बलिदान ये बलिदान हो और जाए वतन पर और ये उपकार हो भाग्यवर हे तुम्हारा और मातृभूमि को मेरा ये शत शत नमन और ये बंदर हे बड़ा ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया है सजाया है इन गुड़ियों ने साधवाद है कुशल राजनीतियों महाराज समय उचित नहीं है समय की प्रतीक्षा करो समय आएगा हम तुम्हें दरबार में पुनः बुलाएंगे चाहते हैं जाकर विश्राम करो तुम्हें सम्मान मिले बड़ाई मिले सर्वश्रेष्ठ मिथिला के ऋषि सुल्ली बाबा की कृपा तुम पर बनी रहे जाओ और आप हैं भाई रिंकू राजपूत खेड़ा सिला जी से राकेश भैया अतरौली वालों के भांजे हैं आप 11 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में ये 21 मुद्राएं राजा जनक जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं साधुवाद चलो चलो मिथिला के राजमंत्री वर आज स्वयंवर का अंतिम दिवस से भगवान बुद्ध भवन के पावन पिनाक के अंतिम अर्चन वंदन हेतु कंचन थाल सजाओ चलकर आराधना करें उपासना करें अर्चना करें वंदना करें हा हा आओ चले
आज शिव की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और आपका सेवक आपको अंतिम प्रणाम करता है। प्रभु स्वीकारें मेरी प्रार्थना को, स्वीकार करें। ओ प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, मेरी प्रार्थना को सुन लेना महाप्रभु। ये मेरा प्रणाम और क्या नहीं ये धनु अब पंचर होगा तो ईशो वासु मेरा की ये बेटी का और बोलो स्वामी कल क्या हो ईश वसुंधरा की ये बेटी का और बोलो स्वामी कल क्या हो। आज तक निबंशियों ने आपसे कुछ नहीं मांगा और आप हैं राकेश राज मांगा नहीं है लेकिन आज आज ये सेवक आपसे कुछ मांग रहा है। मेरी मांग को स्वीकार करें आप सेवन करें। मांगा नहीं है आपसे, आज तक नहीं मांगा लेकिन आज मांग रहा हूं। मेरी मांग को स्वीकार करें आप सेवन करें। ये मां नहीं कुछ आपसे और मेरी मांग को ये सुन ले भगवान और सुनी है मांगे ये सिया की प्रभु तो सजवा देना हे भगवान। काश कर आपने ऐसा नहीं किया तब क्या होगा, तब तो सिर्फ यही होगा कि पूर्ण प्रण पूर्ण प्रण
किए पूर्ण प्राण प्रभु अरि करे अरि नहीं इस विदेह का क्या होगा और इस वसुंधरा की ये बेटी का और बोलो स्वामी कल क्या हो ईश वसुंधरा की और ये बेटी का और बोलो स्वामी कल क्या हो। भक्तजनों एक बार प्रेम से बोलो भूत पवन शंकर भगवान की हरी ओ और लीजिए अब यहां से जो मानस का प्रसंग है और जितने भी हमारे लोग रामचंद्र